हम सबको बचपन में एक ही बात सिखाई गई थी कि आपको अपना काम करना है और आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि आप अपना होमवर्क करिए, अपना काम करिए, जो आपका काम है, रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होंगे, सिर्फ उतनी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए काफ़ी है। और यही बात मैंने गांठ बांधी थी जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन ये बात मेरे लिए एक्चुअली बहुत बहुत मैटर करती थी। इसीलिए मैं आप सभी को आज इसी थ्योरी के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि हमने एक स्टॉक जो हमने मई मंथ में रिकमेंड किया था आप सभी को, मई मंथ से जुलाई मिड तक इस स्टॉक ने एक्चुअली कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस में दिस स्टॉक गेव द फैंटास्टिक रिटर्न ऑफ 60-65% ऑन द अपसाइड। तो बॉस, हमने इसमें एक ही चीज सीखनी है कि आपका काम है अच्छे लेवल्स पे एंट्री करना, और आपका दूसरा काम यह है कि एंट्री करने के बाद सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करना, दैट इज इट। इसके अलावा जो आपके टारगेट्स हैं सिर्फ आप उसको ट्रेड करिए, और इसको भूल जाइए कि आप स्टॉक में अभी आपको कम मोमेंटम आएगा। लेकिन जनरल पब्लिक क्या बोलती है, जनरल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, आज स्टॉक खरीदेंगे और नेक्स्ट मोमेंटम से देखना शुरू करेंगे कि आप स्टॉक ने क्या किया, और यही सबसे बड़ी गलती उनके लिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रीजन बनता है कंसिस्टेंट रिटर्न ना बनाने का। तो इसीलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आईफेल सिक्योरिटीज। अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो उठा के देखेंगे तो मई मंथ में मैंने आपको ये रिकमेंड किया था, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 75 से 72 लेवल्स के बीच में, तब मैंने आपको बताया था दिस स्टॉक इज रेडी टू मूव टिल 190 और 180 लेवल्स, आपके लिए सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेवल्स के लिए होगा। और मैंने आपको तभी बोला था कि अगर ये 60 और 62 लेवल्स आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको और ऐड करना है, बट ये 67 लेवल से ही इसने जो बाउंस बैक दिया उसके बाद ये कभी इसने पलट के नहीं देखा। तो आज इसी का एक कंटिन्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना ये ब्यूटीफुल जो चार्ट आपके सामने है इसका रीज़न क्या है और क्या क्या इसमें हम और देख सकते हैं। तो एज यू नो, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि ये जो इसमें पैटर्न बन रहा था, दिस पैटर्न वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, और ये पैटर्न के बेसिस पे हम क्लियर कट बता सकते थे कि इस स्टॉक में ये जो आने वाले दिनों में जो मोमेंटम आने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये पैटर्न में से अगर हम देखेंगे और ये पैटर्न में से अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट पॉइंट देखने के लिए मिला था, और ब्रेकआउट के बाद जो हमें यहाँ पे एक रिट्रेस बैक देखने के लिए मिला है, ये रिट्रेसमेंट हमें लेके गया है नेक्स्ट लेवल तक, विच इज़ 122, जो कि अभी एक रीसेंट इसका रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैनल, राइट। तो अभी मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये रैली मिस कर दी है, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दिस रैली, आपके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये स्टॉक आपको वापस से 104 या आपको वापस से ये 90 लेवल्स के आसपास मिलता है, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस स्टॉक, बिकॉज लॉट ऑफ रैली इज लेफ्ट। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको जो आने वाले दिनों का मोमेंटम है, या तो ये यहाँ से कंडीशन नंबर वन पे, या तो ये डायरेक्टली यहाँ से 200 लेवल्स टच करने वाला है, या तो इस लेवल से ये पहले 104 टच करेगा, फिर वापस ऊपर जाके, फिर वापस यहाँ से टच करके और ऐसे मोमेंटम दे सकता है, या तो ये पहले यहीं से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से जो आपका मोमेंटम है ऑन द डाउन साइड वो देगा, और यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड मोमेंटम के बाद, करेक्शन के बाद 190 टच होते हुए दिखेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्या जो रैली आपने मिस कर दी है, गाइज डू नॉट वरी अबाउट, डू नॉट क्रेप ऑन दी रैली विच यू हैव ऑलरेडी मिस्ड, दैट्स परफेक्टली फाइन। सिर्फ आपको करना ये है कि अब यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है 104 का या 87 या 90 लेवल्स तक का, आपको दोबारा इसमें एंट्री लेनी है, देन यू कैन वेट फॉर दी लेवल ऑफ 160 एंड 200 लेवल्स ऑन दी इन दी वीक्स टू कम, राइट। इसीलिए गाइज मेरा आपसे हमेशा ये कहना है कि देखिए, हम सबका कभी कोई गॉडफादर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि हम सबको कोई गॉडफादर मिला स्टॉक मार्केट में, एटलीस्ट मेरे को तो कोई गॉडफादर नहीं था। मेरे लिए स्टॉक मार्केट मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग थी, इसीलिए मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखा वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और यही मैं अपने लर्निंग मेंबर्स को भी बताता हूँ कि आपके पास जो एक काम है जो आप कर सकते हैं वो है एंट्री लेवल्स को डिफाइन करना, वहाँ पे एंट्रीज लेना, और उसके बाद रिजल्ट्स की चिंता करना आपका काम नहीं है। वो तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने सही से एनालिसिस की है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जिस मोमेंट से हमने इसको लिया है उसी मोमेंट से यहाँ पे मोमेंटम आना शुरू हो जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना एक्चुअली स्टॉक मार्केट के लिए बहुत 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 नुकसान देने वाला होता है।
इसीलिए गाइस प्लीज़, अगर आप लोग एक सीरियस लर्निंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 24th of July से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है लक्ष्य, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपको साइकोलॉजी टर्म्स में स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पर ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जो लड़ाई है या स्टॉक मार्केट की जो एनालिसिस है वो पहले माइंड में जीती जाती है, आपके माइंड में जीती जाएगी, उसके बाद आपको चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस काम करेंगे, राइट। अगर आपको ये पॉइंट अभी तक नहीं समझ में आया तो अपना पुराना हिस्ट्री उठा के देखिए, अपने पुराने रिजल्ट्स उठा के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड की वजह से आप फेल हुए हैं, ना कि चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से, राइट। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं तो मैं आपको लर्न कराने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ कि आपको माइंड में सबसे पहले स्टॉक मार्केट में कैसे विन करना है अपने आप को, और कैसे विनर बनाना है अपने आप को, और उसके बाद आपको टेक्निकल चार्ट्स हों या फंडामेंटल्स हों कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं। तो हमारा डेमो सेशंस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उन डेमो सेशंस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको हमारे बैचेस में एक्चुअली कितनी वैल्यू मिलने वाली है। सो गाइस, जस्ट फिल द फॉर्म गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, करेक्ट। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर आर एनालिसिस लाइक दिस ओनली, एंड डेफिनेटली हमने बहुत सारे स्टॉक दिए हैं जहाँ पे अभी मोमेंटम आना बाकी है, हमारे सारे स्टॉक्स को वॉच करिए, लाइक मैदानी, महाराष्ट्र सीमलेस जो हमने दिया हुआ है, एंड डेफिनेटली उसमें आपको जो भी बेनिफिट होने वाला है प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।